Hello everyone, very good evening to all. Welcome to On Academy, which is India's largest learning platform. Myself is Kiran, your history educator. So guys, आज का जो हमारा session होगा वो होगा world history के लिए बहुत ही famous book है. आपने सुना होगा इन writer का नाम Norman Lobby. ठीक है, इन्होंने एक book लिखी है Mastering Modern World History. ठीक है, तो गाइज ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि दिस बुक इज रियली वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल बुक इन द प्रिपरेशन ऑफ आईएएस एस्पिरेंट्स. राइट, तो आईएएस एस्पिरेंट्स जो हैं इस बुक को वर्ल्ड हिस्ट्री और स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ही यूजफुल है. ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप इसे जनरल स्टडीज में जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है. ठीक है, लेकिन जनरल स्टडीज में क्या है, जनरल स्टडीज में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके लिए क्योंकि ये बुक जो है बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा वेटी है, तो स्टूडेंट्स जनरली इसको जो है पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता. तो मैं चाह रही थी कि जो स्टूडेंट इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए एक समरी फॉर्म में ये बुक लाना चाह रही हूँ, वीडियोस बनाना चाह रही हूँ. ठीक है, तो प्लीज मुझे आप इस चीज पर वोट दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बुक पर समरी बनाऊं, आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं, क्योंकि ये बुक रेलिवेंट है और इसका इसकी क्या रेलिवेंसी है ये भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो मेरा जो पर्पस है वो है समरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉबे. ओके, तो इसकी समरी मैं आपके लिए लाना चाह रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज इसके बारे में सजेस्ट करें कि आप एक्चुअली इस बुक को एक समरी की फॉर्म में चाहते हैं ताकि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नल स्टडीज और हिस्ट्री ऑप्शनल में आपके लिए ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन 2021 और 22 के लिए हेल्पफुल हो. राइट, एंड सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जनरल स्टडीज विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है मुझसे जुड़ते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाएगी अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज की जो बनाई है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका कोर्स कैसे कराया जाएगा. यू विल गेट हियर डेली लाइव क्लासेस जहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने मेंटोर के साथ. और यहाँ पर देखिए आपके जो सारे के सारे कोर्सेज होंगे वो एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे. और आप अपनी परफॉर्मेंस को अगर इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम जो है आपको टेस्ट सीरीज में भी जो है एडमिशन आपका हो जाएगा. ऑब्वियसली जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है परफॉर्म करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी. आपके लाइव टेस्ट होंगे और क्विजेस होंगी. ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे. एंड अनलिमिटेड आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी कोर्सेज का जो है एक्सेस मिल जाएगा. राइट, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आप जो है मुझे किरण मैम के नाम से मुझे आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. एंड किरण वन इज माई रेफरल कोड. ठीक है, अगर आप एक्चुअली सब्सक्रिप्शन और सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं. दिस इज माई टेलीग्राम लिंक, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं. कंसर्न एंड दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ इज किरण, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई अपीयर टू टाइम्स इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू विद पोलिटिकल साइंस एंड आईआर. ठीक है, मैंने नॉर्मल लोवे की बुक को जब मैंने पोलिटिकल साइंस आईआर को प्रिपेयर किया था तो उसके लिए मैंने आईआर में ये बुक पढ़ी थी जो कि बहुत ही यूजफुल बुक है. और ये मेरा प्रोफाइल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल का लिंक. आप मुझे यहाँ पर फॉलो करें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए. सो गाइज देयर आर 100+ टॉप एजुकेटर्स हेयर टू गाइड यू एंड बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं. दे आर एक्चुअली द ओशन ऑफ नॉलेज. राइट, they are the ocean of knowledge and you can take the benefit of these educators during your preparations. Right, and here you can see that the basic to advanced courses aapke liye yahan par available hain. theek hai, aur dekhiye aapko yahan par ncrt ki summary se lekar jitni bhi basic reference book hoti hain un sab ki summaries aapko yahan par provide ki jayegi taki aapko jo hai books padhne mein zyada aapka time waste yahan par na ho, aapke time ko bacha sake, kyunki time management upsc ki preparation mein ek bahut badi demand hoti hai. right, ye dekhiye aapke liye upsc gs subscription
सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि 1 मंथ से 3 साल के लिए आपके पास अवेलेबल है. एंड यूज माई रेफरल कोड किरण 1 इन ऑर्डर टू गेट 10% ऑफ. राइट गाइस, एंड ये आपके लिए आइकॉनिक प्लान है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए. अगेन यूज माई रेफरल कोड. यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या दी जाएगी? यू विल गेट हेयर पर्सनल कोच जो आपकी स्टडी प्लान करेंगे और आपको एक पर्सनल फीडबैक देंगे. सो गो फॉर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 10% ऑफ हो जाएगा और आपको सारे ऑप्शनल कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा. लेकिन आपको प्रिपेयर तो एक ही करना है, लेकिन आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे, है ना. इनकेस अगर आपका चेंज करने का मूड हो तो आप चेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं. ये देखिए अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक कॉम्बैट यानी कि टेस्ट सीरीज की फॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है अल्टरनेट संडे पर. ये 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, अभी ये अल्टरनेट संडे यानी कि 20 दिसंबर को फिर से होगा. यानी कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, अपन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और आप मेरे रेफरल कोड से जो है एनरोल कर सकते हैं. और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये आपका कंटेस्ट फॉर्मेट रहेगा, 45 मिनट और 60 क्वेश्चन, है ना. जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पर यहाँ पर आप अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट प्राइज है एप्पल मैकबुक और सेकेंड है, ठीक है, इस तरीके से. और टॉप 100 एंकर्स को 1000 रुपीज के जो अमेजोन वाउचर्स दिए जाएंगे शॉपिंग के लिए, ठीक है. तो गाइज फाइनली जो है आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पर जो है समरी आपके लिए लेके आऊं. अगर हम इस बुक का रिव्यू करें तो आप देखेंगे मैं इसका पूरा समरी कराऊंगी, ठीक है. इसमें आप देखेंगे इसमें टोटल जो है ये पूरी की पूरी जो है बुक 6 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है. 6 पार्ट में डिवाइड है और जो फर्स्ट इसका चैप्टर है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से यहाँ पर स्टार्ट होता है. पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में चीजों को मेंशन किया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो 1914 का जो यूरोप था उसके बारे में पूरा जो है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक इस बुक को मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है. तो इसके बारे में जो है मुझे आप कमेंट लिखिए, वोटिंग करिए, ताकि मैं इसको आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं. बहुत रेलिवेंट बुक है और इसकी लैंग्वेज भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है. लेकिन कुछ बच्चों को लगता होगा लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू नो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है. और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जो ये वाली बुक है, इस बुक में जो दिया गया है चैप्टर वो इस तरीके से मेंशन है. जैसे पार्ट 1 में वॉर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस करके जो है ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ऐसे ही 6 पार्ट मेंशन है, ठीक है. और पार्ट 1 में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो दिया है द वर्ल्ड इन 1914 और आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. तो अगर हमें वर्ल्ड 1914 में क्या सिचुएशन थी, यूरोप कैसा था, अमेरिका कैसा था, कैसे आउटब्रेक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है. प्रोलॉग यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर 1914 में वर्ल्ड कैसा था और कौन सी वो इवेंट्स थी यानी कि कॉजेस कौन से थे, इवेंट्स लीडिंग अप टू आउटब्रेक ऑफ वॉर, ये चीजें हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट caused the war and who was to blame, और किसको ब्लेम करना चाहिए. और इसके अलावा देखिए जब ये चैप्टर एंड हो जाता है चैप्टर का तो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है. तो 2015 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से पूछा गया था कि why Germany is responsible for 2 world wars, ठीक है. तो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक, ओके. एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन में दिस इज वेरी स्टैंडर्ड बुक, ओके. आई होप कि आपको जो है इस बुक के लिए जाना चाहिए, राइट. स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम. तो इस तरीके से. और रही बात लैंग्वेज की, सो लैंग्वेज इज वेरी इजी एंड वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यू नो, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पैटर्न और यूपीएससी डिमांड. जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा का सारा लैंग्वेज एज इट इज जो है यू हैव टू क्रैम एंड ऑल दैट. एंड ईच एंड एवरी थिंग इज वेल एंड नीटली डिफाइंड इन दिस बुक एंड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. सो गाइज यहाँ पर आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं मैं इस बुक की समरी आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है. तो फटाफट से मुझे बता दीजिएगा
गाइस, मैं कल से जो है आपके लिए इस बुक का समरी, सबसे पहले चैप्टर का समरी मैं जो है लेकर आऊंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट. बाय बाय. टेक केयर.